तमाम दोस्तों का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो बेहद मशहूर हैं बका इंटरनेशनल मैराइट्स का, जिन्होंने इन्वाइट किया और यहाँ लिया। उसके बाद ये इंसान की ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी उसके जीने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वो हैवान की ज़िंदगी भी जी सकता है, इंसान की ज़िंदगी भी जी सकता है और फरिश्तों वाली ज़िंदगी भी जी सकता है। और जीने के बहुत से तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो अपने बीवी बच्चों अपने घर के लिए जीता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और अफजल तरीका वो है जो इंसान के लिए और इंसान की खिदमत के लिए जीता है, ये सबसे अफजल तरीका है। और जो दूसरों का दर्द रख के, दूसरों की तकलीफ रख के, दूसरों को लेकर चलता है, अपना वक्त निकालता है, अपना टाइम निकालता है, बुजुर्गों के लिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, वो अफजल तरीन जिंदगी कहलाती है। और जो अफजल तरीन जिंदगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए बेहतरीन इनामात रखे हुए हैं और कहा कि इंसान तुम इंसानियत की खिदमत करोगे, मैं तुम्हें अफजल लोगों में पुकारूंगा। तो इंशाल्लाह जो ह्यूमन राइट्स वाले ये जो काम कर रहे हैं, इंसानों की तकलीफ, इंसानों के दर्द और दुख, इंसानों के मामलात को आगे लेके चलते हैं, आला अहकाम तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोग ह्यूमन राइट्स में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग सिक्योरिटी में हैं, ये लोगों की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको चुना है। और जिनको अल्लाह चुनता है तो फिर ये अपने इख्तियारात में, कि हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, कि हम अपने इख्तियारात को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल अपने आप को करते हैं। क्या हम इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए अपने आला अखलाक को आगे रखते हुए लोगों की खिदमत करते हैं, या हम अपने मुफाद के लिए, या हम अपने लिए जीते हैं। तो बेहतरीन लोग तो वो हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जानवर भी जीता है, इंसान भी जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो बेहतरीन इंसान होता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, बेहद मशहूर हूँ मैं बका ह्यूमन राइट्स वालों को जिन्होंने हमें बुलाया। इसके साथ ही मैं अपनी जगह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त, सॉरी गाने साथ थे।